आजिठ 20 वर्ष तले 2002 मसीह मान्यवर हाइकोर्ट पाखरे एक मामला रुजु होता। हाइकोर्ट को निर्देश अनुजाई चाषी पाखरु धान किणवे सरकार, एपरिक चाषी मिल को धान पहुंचाइबे सरकार द्वारा निजुक्त धान किणुवा संस्था। परे परे एहा सरकारी निर्देशनामा हो तेणु सीधासलख धान किणा बिकारे सामिल हो पारे मिलर्स, एपरिक मंडी को मिलर्स को मना। किंतु ए वर्ष डीएलपीसी बा जिला स्तरीय धान क्रय मीटिंग रे प्रशासनर अजब निष्पत्ति। बलांगीर जिलापालक निर्देश मंडी रे मिलर्स रही पारे धान किणा बिकारे भाग नहीं पारे, किंतु एहा को विरोध करिछंती वरिष्ठ विधायक नरसिंह मिश्र। एपरिक मिलर्स सहित प्रशासन सला सुतरार संगीन अभियोग आनी नरसिंह सेटा इतिपे काई कि तांकर बहुत समय रु पैक्स मंत्र किछ ड्यूज रही जाइछ पेंडिंग और जेतु सेमाने काले असमर्थ हे जिवे पैडी प्रोक्योरमेंट रे और चासी मान को सेटा को फेस करबा के पड़बा। सेतिपे हमें मिलर्स जेतु हमर प्रोक्योरमेंट पॉलिसी रे मिलर्स मान को भी अलाउ करा जाय परबा मंडी हैंडलिंग लागि, सेतिपे ए वर्ष डीएलपीसी मीटिंग रे तार निष्पत्ति नै डीएलपीसी डिसाइड करबार क्षेत्र अधिकार नै काई कि गवर्नमेंट पॉलिसी रे मिलर्स मिलर्स रिप्रेजेंटेटिव्स मंडी को आसी परिबे धान प्रोक्योरमेंट करिया पई। हाईकोर्ट जजमेंट स्पष्ट भाबरे कहिछि जे धान किणला समय मिलर के तार एजेंट धान किणवा जगह जापारे ना से राज्य सरकार को भी निर्देश लिखाई स्पष्ट भाव में मिलर रही पारे ना तम मिलर मानक प्रशासन किसी बुझाणा किंतु जदि कही कलेक्टर से राज्य सरकार का निर्देश उल्लंघन कर स्टैंडिंग कमिटी ए डिपार्टमेंट बारंबार ताकिद कर स्पष्ट भाव में रिपोर्ट कर मिलर उपस्थित रही पारे ना कि मिलर सीधा सड़क मिल को धान नहीं पारे ना। केवल मिलर्स को मंडी अनुमति नुहे डीएलपीसी मीटिंग रे आहुरी अनेक संगीन अभियोग आनी जिलार विरोधी विधायक। नुआखाई पर अमल आरंभ हुए किंतु मंडी खोल नवेम्बर 25 धान अमल कर दुई मास हो गला, तेणु चाषी अन्य उपाय नपाई एवं अभावी बिक्रीर शिकार जार सुजोग ने कि असाधु मिलर्स 1200 रु 1300 टंकारे धान किणी गोदाम रे गच्छित कर रखिथिबा आउ मंडी खोलिबा परे अधिकारी को सहित मिसी कागज पत्र करी कोटी कोटी टंका हरिलुट करिवे बोली संगीन अभियोग आनी जिलार दुई जण वरिष्ठ विधायक संतोष सिंह सालुजा आउ मुकेश महालिक। सबु मिल को चढ़ाऊ करी हारो पर्दाफाश करबा को दाबी करिछंती विधायक, हेले विधायक को एभली संगीन अभियोग सत्वे प्रश्नर सठिक उत्तर नदे केवल टास्क फोर्स गठन हेबो कहि कथा को बारेई जाइथिले जिल्लापाल। तो 15 दिन अलरेडी सरीगलान धान किणार आर बलांगीर जिले में प्रिक्योरमेंट मीटिंग आज बसचे एवं हर हर यार 15 दिन पर धान किणा आरंभ होगा। ताहले स्वर्णा धान जेनटा बड़ धान है सेटा भी कटिकर बिकी सारलान एवं समस्त मिल मालिक माने अंडर रेट 1200-1300 टंकारे किणिकरी गोडाउन रे गच्छित कलेन एवं सरकार डिसेंबर मास रे धान किणिबे ताहले खाली जोटा 120 दिन 150 दिन रो धान अच्छे सेटा मंडी के किछी किछी आसबा बाकी मिल मालिक माने कागज पत्र एडजस्ट करी रिसाइक्लिंग करी कोटिपति हेबे। बलांगीर जिला रो चासी माने धान रो उपयुक्त मूल्य पाइबे नहीं एवं से माने दादन खटी जिवे। आज अभियोग आछी जे पेडी प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हेई नै मिलर रो गोडाउन फुल हे सारलानी निश्चित भाव रे सरकार को सांगरे आंकर मधुचंद्रिका अछि मिलर सरकार एवं एटा को प्रमोट करछन ताकू बंद करिवार समय आसी। तृतीय जिनस हला जे इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर रे आज पर्यंत भित्तिभूमि विकास होई पारे नाही। तो मु आज कहली जेतेबेले एआरसीएस को से कोचंदे जे कलेक्टर भी कहले जे आमे बाय रवि सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होई जेथिबो देखा जाउ कोन होउछि। तृतीय चतुर्थ जिनस हला जे कटनी छटनी गोटे विराट समस्या एवं या ही गला बाट जो थे कि सरकार को ये ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी चांदा दौंती विभिन्न प्रकार जो माने सरकारी एबे जो विजु जनता दल सरकार अच्छी आमर से गोटे कंटिन्यूस इश्यू से टाइम टू टाइम सबको आम जिते भी ए प्रकार इश्यू आसो आमर जो सोसाइटी लेवल प्रोक्योरमेंट कमिटी और एनफोर्समेंट टीम से जाकर इश्यू रिजल्व करेंगे। डेफिनेटली चाषी मान जो एमएसपी और धान क्वालिटी हिसाब से जितकी पाइबार कथा से प्राप्य शीघ्र बैंक अकाउंट में पड़ो बोल कि आम आशा कर। हाईकोर्ट का निर्देश थिला सरकार का निर्देश हला मिलर्स को मंडी मना हेले एथर जिल्लापाल अनुमति विधायकों तीव्र विरोध मिलर्स को नहीं मुहामुहि विधायक प्रशासक बलांगीर कैमरा पर्सन करुणाकर सहित मनोरंजन ओडिशा रिपोर्टर।
ଆଜ୍ଞା।